जी सवाल से शुरू करें जी। तो ऐसा जैसे समझा ये जाता था कि आप नवाज शरीफ के बीच में हैं और इमरान खान आपके अपोजिट में हैं, तो क्या ऐसा कभी मुस्तकबिल में मुमकिन है कि आप इमरान खान के साथ भी मिल सकें? सवाल सही करें, सवाल आपका ठीक नहीं है, मैं ज़रा इस्लाह कर लेता हूँ उस सवाल का। देखिए पार्लियामेंट जो है उसका काम ही यही है कि वो आईन कानून उसमें कोई तरमीम वगैरह, ये उसका जॉब है, उसकी ड्यूटी है, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम मुल्क के हालात के तहत और एक ज़रूरत के तहत मुल्क में कानून सازی भी करें, कानून में तरमीम भी करें, आईनी तरमीम भी लाएं। लेकिन ज़ाहिर है कि जब तरमीम आती है तो उस पर इख्तलाफ मुमकिन होता है। तो जो मुसवदा हुकूमत की तरफ से लाया गया हमने उसे अक्सर मुस्तरद कर दिया था और वो किसी कीमत पर भी काबिल कबूल नहीं था। उससे पार्लियामेंट की तौकीर ख़त्म हो जाती, उससे हमारी अदलिया कमज़ोर हो जाती, उससे हमारे तमाम पाकिस्तान के आम शहरियों के इंसानी हकूक जो है वो तबाह हो जाते और उनकी कोई हैसियत न रह जाती। तो ज़ाहिर है कि हम असेंबली में इसलिए तो नहीं है कि हम आवाम के ख़िलाफ़ कोई तरमीम पास करें, बल्कि आवाम के मफाद में हमने सब कुछ करना है, मुल्क की मफाद में हमने सब कुछ करना है ताकि यहाँ पर एक पुरमन मुआशरा तश्कील दिया जा सके, और जो चीज़ें वक्त की ज़रूरत होती हैं हम उन ज़रूरतों को तरजीह दें। यह नहीं कि हम किसी इदारे या किसी महकमे के को ताकतवर बनाने के लिए कानून बनाएं और गैर ज़रूरी तौर पर उनको इख्तियारात देने के लिए हम कोई कानून बनाएं, बल्कि तमाम इदारों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना और मुल्क के अंदर एक मुतवाज़न सियासी माहौल पैदा करना, ये हमारा एक मकसूद होता है, ये हमारी ड्यूटी होती है, ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में जो मसौदात इस वक्त शेयर किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमाए इस्लाम की तरफ से भी, तो उसमें काफ़ी अब हमाहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है और जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं और जो चीज़ें हमने मुतालबा की थी वो कबूल हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो फिर भी कल 15 है इंशाल्लाह, मैं कराची में कल बलावर भुट्टो साहब से मिलूंगा और फिर यहाँ से मैं सीधा लाहौर जाऊंगा, मैं मियां नवाज शरीफ साहब से भी मिलूंगा वहाँ पे, फिर मैं इस्लामाबाद जाऊंगा तो वहाँ पर पीटीआई के साथ उनकी क़यादत जो मौजूद है उनसे बात करूंगा, और इस तरीके से एक इत्तेफाक़ राय पैदा करने की एक कोशिश है ताकि मुल्क में कोई एक आइन की तरमीम की वजह से कोई हंगामाराई ना हो, कोई इख्तलाफात ना हो। और इससे पहले 18वीं तरमीम आपको याद होगा, 18वीं तरमीम में भी कोई हमें 9 महीने लग गए थे, जब 18वीं तरमीम में हमें 9 महीने लग गए थे तो अब 26वीं तरमीम में हमें 9 दिन तो दे देने चाहिए कि हम उसमें देख सकें, उसका नोक पलक ठीक कर सकें, उसमें कोई गलती है तो उसको निकाल सकें, कोई अच्छी बात है तो वो डाल सकें उसके अंदर। तो ये सारा एक बड़ा लंबा एक एक्सरसाइज है, इसके हमें माजी में भी काफ़ी तजर्बात हैं, बार दफ़ा हमें कुछ चीज़ें तय करने के लिए, खारजा पॉलिसी के उसूल तय करने के लिए 6-6 महीने तक हमें कमेटी रूम में बैठना पड़ा। तो आज क्या मसला है कि हम 1 महीना भी देने को तैयार नहीं हैं और ऐसी कोई जल्दी हम पर मुसल्लत की गई, लेकिन हम उससे मुतासर नहीं हुए और हमने कहा नहीं, जब तक कि हम इत्मीनान हासिल नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई तरमीम नहीं आएगी, और अगर आई तो हम उसको मुस्तरद करेंगे जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद हम एक इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं और आप दुआ फरमाएं कि मुकम्मल इत्तेफाक राय तक हम पहुंच सकें। एहतजाज करने जा रही है और ये एहतजाज उस वक्त कर रही है दुनिया भर से ममालिक के लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। आपका माजी में कहना था कि हम पीटीआई के साथ देंगे,
कुछ दिनों पहले हाल ही में आपकी सबक डिप्टी स्पीकर असद उमर साहब से मुलाकात भी हुई है, क्या कहते हैं आप इस हवाले? मुलाकातें तो हमारी चलती रहती हैं। मैंने एक अपील की थी कि कोई भी मुजाहरा हो, एहतजाज हो, उसको शंघाई तआवुन तंजीम जो है उसके सरबराहान के पाकिस्तान की सरजमीन से रुख्सत होने के बाद तक मुलतवी कर दिया जाए। तो पहले भी एक मुजाहरा हुआ जिसके कोई अच्छे नतायज सामने नहीं आए, उससे कोई अच्छा माहौल नहीं बना, और अब भी जब मेहमान यहाँ पर मौजूद हों तो मैं अभी भी दोबारा अपील करूँगा कि वो ऐसे मौके पर कोई एहतजाज न करें। चंद दिन के लिए मौखर किया जा सकता है और कोई इतनी बड़ी मुश्किल पैदा नहीं होगी उससे। तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारी अपील की कदर करेंगे। सर, सिंध के दौरे पर आप आए हैं तो